धरना प्रदर्शन। आज नगर में विभिन्न व्याप्त समस्याओं से परेशान नागरिकों ने नगर पंचायत भवन रानीपुर के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान साफ स्वच्छ पेयजल, नगर की नालियों की नियमित सफाई, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त लोगों को और मेरा जल विहार का आयोजन कराने की मांग की गई। नगर के समाज सेवी आलोक जैन ने नगर का जन समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए नगर में 3 पानी की नई टंकी बनाने की भी मांग की। काशीराम जतारिया जी ने मेला जल विहार महोत्सव की वर्षों से चली आ रही परंपरा को कायम रखने की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए अधिशासी अधिकारी से मेला लगाने की बात की। जल संस्थान के जेई प्रशांत जी अधिशासी अधिकारी रमाकांत जी ने ज्ञापन को लेते हुए लोगों को जल साफ पेयजल और अन्य समस्याओं से निराकरण का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चौकी प्रभारी श्री अनुज कुमार जी ने संभाली। प्रदर्शन में आलोक जैन, पवन 14, काशीराम जतारिया, नरेश शिरधर, काशीराम आर्य, मनोज अग्रवाल, जितेंद्र अग्रवाल, धर्मेंद्र आय, सुदामा बांगर, गौरव जैन, सौरभ जैन, शांति स्वरूप जैन, हरगोविंद झा, शशिकांत चुरारिया, समीम खान, हसन रजा, दीपक खरे, बबलू नौगरिया, सुनील नीखरा, गणेश आर्य, धीरज भसनैया, बलवंत ठाकुर सहित नगर के तमाम लोग मौजूद रहे। वो सर्वे करती है, उसके बाद वो हमें लिस्ट देती है, फिर हम उसका सत्यापन करते हैं। हमारा काम है सत्यापन करना कि वो पात्र है या अपात्र। उसके बाद DPR बन गया कि उसके बाद जियो टैगिंग होती है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब कुछ लोग हो सकते हैं, कल हम अनाउंसमेंट करा देंगे, किसी को भी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 1 रुपये नहीं देना है। जो पात्र होगा उसका अपने आप फ्री में होगा, जो अपात्र होगा वो पैसा देने के बाद। मैं 2 दिन से पता कर रहा हूँ, 2 दिन से कोई आ नहीं रहा। अगर 2 दिन से मैं पता कर रहा हूँ, जैसे भी किसी को मैं कह रहा हूँ, अगर कोई सर्वे वाला आया हुआ है हमें आप बता दीजिएगा, हम तुरंत FIR करा देंगे। उसके ऊपर हमारे CEO नगर पंचायत जी कार्रवाई आपको निर्देश दे रहे हैं कि आपको जो धांधली हो रही है उसके बारे में बताएंगे क्या। जो भाई देखिए, जो भी प्रधानमंत्री आवास के लिए जो भी पात्र व्यक्ति है, पात्रता की शर्तें सबको मालूम है। कच्चा घर होना चाहिए, भारतवर्ष में कहीं भी उसका पक्का घर नहीं होना चाहिए, और एक बार एक ही आदमी मिलेगा, एक परिवार को एक, मतलब पति पत्नी को एक ही मिलेगा। अब जो हो गए हैं उनकी शिकायत होगी तो जांच होगी, लेकिन हमने ना तो अभी तक कोई DPR पे साइन किए है, ना मेरे सामने कोई आए। जो सर्वे हो रहा है वो सब फर्जी है। मेरी आज ही जो है PO डूडा से बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि आप अनाउंसमेंट करा दीजिए। अखबार वालों से भी हमारा निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से भी, वो न्यूज पेपर में निकाल लेंगे। जो भी प्रधानमंत्री आवास के लिए 1 रुपये भी मांग रहा है उसको हमें सूचना दे, चौकी में सूचना दे, चौकी में भी सूचना दे कि ये व्यक्ति अनावश्यक जो है रिश्वत मांग रहा है। अभी फिलहाल मेला क्योंकि होने जा रहा है, हमने नाला गहरा करा दिया है, जिस सभी में देख के आ रहा हूँ। उसके संबंध में राजस्व से बात होगी, अगर वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो उसमें नाला बन जाएगा, 2022 में ही बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं भाई? नगर की विभिन्न समस्याएं जो एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन समस्याओं के विरोध में हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे पानी, बिजली, रोड, सड़क, स्वास्थ्य और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जो आवास योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर को, हर व्यक्ति को उनका घर मिले, उनका खुद का स्वयं का घर होना चाहिए। उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग और जब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक हमारी मांगों को माना जाएगा। आपकी क्या समस्या है भाई साहब? सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पूरा रानीपुर में जितने भी नगर पंचायत में जितनी वार्ड है, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, और सफाई की व्यवस्था है। अब क्या कोई भी आप वार्ड में चले जाइए तो मैं प्रॉब्लम दिख जाएगी। अब एक नई समस्या और हो गई। अभी जो अपनी पुरानी समस्या, जो पुरानी परंपरा है जल विहार महोत्सव की, अब वो देखो टूट रही है, लग रहा है कि नहीं लगेगा रानीपुर में मेला की कोई संभावना नहीं हो रही।
अपडेट मीडिया के लिए रानीपुर से अरुण अग्रवाल की रिपोर्ट।